नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दिलालन टॉप देख रहे हैं। नागरिकता कानून के विरोध में पूरे देश में चल रहे प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली की। पीएम मोदी इस रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे और इस कानून से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से बात की। देश के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वो अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्रियों को CAA पर बोलने से पहले कानूनी सलाह ले लेनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्रियों को CAA के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। पीएम मोदी ने और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। यहाँ दिल्ली के लोग तो देख चुके हैं कि कैसे बस जलाने के मामले में एक नाता अफवाह फैलाने का काम किया, दिल्ली पुलिस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाइयों और बहनों, ये ऐसे लोग हैं जिनको ये भी जरा समझ लो, देश का पढ़ा लिखा नौजवान मेरी इन बातों को जब सुनेगा और जो मैं बातें करता हूं उनकी जांच पड़ताल करेगा, तो आज जो अफवाहें फैलाई हैं, जो भ्रम फैलाया गया है, उसके खिलाफ देश का नौजवान भी खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये लोग, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, ये ऐसे लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिला और पुरुष के आधार पर बने स्थायी निवासी कानून से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का रास्ता आसान हो, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जो पार्टियां यहां शोर मचा रही है, 2004 में कहां थी जब वहां की सरकार ने कहा कि राज्य से बाहर के निवासी से शादी करने पर जम्मू कश्मीर की बेटियों की वहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी? तब तुम कहां थे? क्या वो भेदभाव भारत के संविधान की स्पिरिट के अनुसार था? साथियों, ये लोग आज किस स्थिति में है, किस तरह बौखलाए हुए हैं, जब उनके बयान देखता हूं तो और समझ में आ जाता है कि कितनी राजनीति गंदी करके रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे। अरे, आप मुख्यमंत्री हो, आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रखकर के शपथ लिया है। अरे, तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा राष्ट्रगान करते हो और ऐसे बयान देते हो। अरे, पहले कम से कम अपने राज्य के कानून के जो जानकार है उनसे जरा बात तो कर लो, बंद कमरे में कर लो, ताकि ऐसी बीच बेइज्जती ना हो आपकी। जरा अपने एडवोकेट जनरल से पूछो कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या क्यों ऐसा करते हो भाई?